हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली, ऐसा आपको देख के लग ही रहा होगा। गर्मी अपनी परम सीमा पर है और अभी भगवान ने तवे पर पानी छिड़का, मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो और ख़तरनाक वाली गर्मी बढ़ा दी उन्होंने। मतलब वो समझ लो कि पानी छिड़क दिया है और आपका डोसा बनने वाला है, तो वही काम करा आज भगवान ने। अभी थोड़ी बन गई है पूड़ी, थोड़ी बनानी है मुझे रोटियाँ और यहाँ पर मुझे लगाना है तड़का। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये भजिया ले जाना अभी पापा के लिए। इधर आओ पहले सामने। नेट क्यों नहीं मिल रहा यार? क्या नहीं मिल रहा? वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ मेरी जिंदगी अटकी पड़ी और तुम्हें वाईफाई की पड़ी है? हाँ, क्यों? इतनी गर्मी में मैं कैसे काम कर रही हूँ तुम्हें पता है? आपके हिसाब से जो बीवी होती है ना, जो घर की औरतें होती हैं, वो बहुत बड़ी योद्धा होती है, पता होती है। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी। चल करो मेरे सामने स्वादिष्ट खाना बनाया, फिर ऐसे बोलते क्यों? मो क्या करती रहती है दिन भर घर में? सच में आप देवी का रूप है, लेकिन पता कौन सी देवी? जो बिल्कुल क्रोधित होती है ना, हमेशा क्रोधित रहती है। मुझे पता है क्यों? अच्छा, एक एक बात बता। उसका कारण ये दिन भर पसीने में, गर्मी में खाना बनाना, गैस के पास गर्मी में इरिटेट हो जाती है। तो इरिटेट हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, मेरे अलावा कोई नहीं है जिस पर उतार सके। बस इतनी मीठी बातें मत करो यार, इस तरीके जो परसों अपने बीच में हुआ, आपको पता है हम लोगों के रिश्ते बदल गए हैं। अब हमारे बीच में अब वो रिश्ता नहीं है जो पहले था, और अब नहीं है। बताओ मेरा नंबर किस नाम से सेव करा आपने? अब हमारा वो रिश्ता नहीं, अब हमने हमारे रिश्ते का नाम बदल लिया है, और मैंने इनका नाम रखा अपने रिश्ते में। क्या नाम है बताओ? नंबर सेव करा। किस नाम से सेव किया है? एनाकोंडा। तो तुमने क्या करा? मैंने भी इसका नंबर सेव करा है नागिन नाम से, और उसके बाद दो नाग भी बनाए हैं। दिखाना जरा, अगर मेरा नाम देखना आप, फिर मेरा तो वैसे खुद के फ़ोन से बन रहा है, लेकिन मैंने भी एनाकोंडा करके किया हुआ है। तो आज से हमारे रिश्ते के नाम बदल चुके हैं, तो कोई पति देव, पति परमेश्वर, वरमेश्वर नहीं। दिखाना, ये देखो बहुत ज़्यादा। अरे यार नंबर दिख जाएगा, लोग फ़ोन करेंगे। ब्राइटनेस तो कम करो, बहुत तेज है ब्राइटनेस। देखो ये देखो, नागिन और दो नागिन भी बिठाइए साइड में, और इन्होंने भी एक लंबा अजगर बिठाया। मेरा नंबर सेव करा एनाकोंडा। तो बस यही बात थी कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है अब, क्योंकि हमारे रिश्ते का नाम बदल गया। क्योंकि परसों बहुत रात में जो हमारे बीच में घमासान युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध के बाद जो इन्होंने जहर उगला है, वो जहर उगलने के बाद मुझे इनके अंदर अपने लिए बहुत ज्यादा जहर दिखा। तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। टमाटर सॉस रख लो, बस खाने ही निकाल रही हूँ मैं। लेकिन आप पता चला मैं गर्मी में क्या करती हूँ? दोपहर में भी मैं इतनी गर्मी में ही खाना बनाती हूँ। मैं सुबह 9 बजे से ड्यूटी जाता हूँ, अभी आ जाऊँ। तुम्हारे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, झूठ मत बोलना। मेंटेलिटी थक जाता हूँ, तो ये थक जाता हूँ, तो वो थक जाता हूँ। तो दोस्तों नाम बदल चुका है, अब बस मुझे इसमें लगाना है तड़का, क्योंकि मैंने बनाई है देखो कड़ी। अभी इसमें तड़का मार दूँ थोड़ा सा, थोड़ी गाढ़ी होगी रखे रखे। आप लोगों के यहाँ मतलब नॉर्मल कड़ी, मतलब जो कड़ी बनाते हो आप, तो उसमें जो पकौड़े यूज़ करते हो वो प्याज वाले यूज़ करते हो, या फिर आप सादे भजिए बनाते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ हमारे देवास में जो बनती थी ना, वो तो मम्मी बिना प्याज के भजियों की कड़ी बनाती थी। मतलब गोल गोल ऐसे अंडे जैसे भजिया बनाती थी, और वैसी कड़ी बनाती थी, मस्त लगती थी। और फिर यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पर कड़ी का कुछ अलग ही रूप दिखा, और फिर वो भी मैं सीख गई बनाना, और बहुत ही अच्छी कड़ी बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत ही गजब बनती है भाई साहब। मीठे दही से बनाती हूँ मैं। कोई कुछ ठोक रहा है तो अभी एक एक इंसान से और मिलवाती हूँ तुमको। नहीं यार, पहले मैं खाना बना लूँ, फिर थोड़ी देर बाद बात करवाऊँगी, क्योंकि पापा भी बैठे हैं खाना खाने के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। चावल तो मैं भूल ही गई बनाना, एक मिनट चढ़ा देती हूँ मैं चावल भी। दो सीटी इधर आओ, कोई बड़ी बात नहीं, इधर आओ, इधर कहाँ भागे, इधर तो आओ।
आता होता क्या, मैं 2 मिनट में सिखा दूंगी तुम्हें बनाना, कैसे बात कर रहे हो। मन होना चाहिए इंसान का। मेरे दोनों भाई, दोनों नहीं, मेरा संदीप पूरा खाना बनाता है, पूरा खाना, दोनों मिलके उस घर में, मतलब लेडी से भी वो काम नहीं कर सकती जो मेरे दोनों भाई करते हैं। बस सीखने की ललक होना चाहिए इंसान में। और पता है यही चीज़ मैंने, मेरे भाई ने भी बीच में खाना बनाया था तो मैंने उसकी तारीफ़ की थी, मतलब वाह यार संदीप तो लेडीज़ों से भी खाना बनाना बड़ा अच्छा सीखा, मतलब तुझे किसने सिखाया खाना बनाना। तो वो उसकी बातों से पता है आंसू आ गए थे आँख में, बोले दीदी जिस परिस्थिति में मैं सिखाऊँ ना, मैं दुआ करूँगा कि भगवान किसी को भी ज़िंदगी में वो परिस्थिति ना दे। क्योंकि हुआ ये था, मेरे भाई छोटे छोटे थे, हमारी जब शादी हुई थी ना आज से 14 साल पहले की बात है, तो संदीप शायद रहा होगा 13 साल का, 13 या 14 साल का था, और रवि होगा 16 साल का। तो हमारी शादी हुई तब उसके बाद में, मतलब 1 साल के बाद ही मम्मी का मतलब है ना आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो वो गैस के पास नहीं जाते हैं, तो उस बीच में उन लोगों को खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि हम दोनों बहन ससुराल में थी, और फिर शादी के बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि मतलब मायके में भेज दें, फिर बहुत से नियम कायदे कानून होते हैं, तो उस बीच वो बच्चे भूखे रहते थे, मतलब बहुत रोते थे। सुबह तो ब्रेड खाते थे दूध से, पापा ड्यूटी से आते थे पापा बनाते थे, कभी अंडे की भुर्जी बनाते थे, कभी दाल बनाते थे, ऐसे करके उन लोगों का खाना पीना मम्मी बताती जाती थी दूर से। फिर संदीप ने मतलब देखा कि यार बड़ी परेशानी हो रही है, तो 14 साल की उम्र से वो किचन में घुसा, और आज बाय गॉड टच वुड मास्टर शेफ बन गया मेरा भाई। हम लोग भी क्या खाना बनाएंगे, और भगवान सच में बहुत खुशी होती है उन लोगों को देख के कि अगर ऐसे बेटे हो ना, इस तरीके से हों, ऐसे भाई हों, तो ज़िंदगी सफल है। इतने अच्छे मेरे दोनों भाई, बहुत अच्छे, मेरी जान है दोनों। अरे यार मैं तो इमोशनल हो रही हूँ। तो मुझे बनाना अभी थोड़े लेख, देखो एक ऑर्डर और आ गया, मुझे चावल भी बनाने हैं, तो बस चावल की भी तैयारी करूँ। बस वो तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि दिखाना चाहिए कि गर्मी में अपनी बीवी की इज्जत करो, अपनी बहू की इज्जत करो, मतलब हर औरत की इज्जत करो। क्योंकि जिस गर्मी में आप लोग 2 मिनट खड़े नहीं रहते हो ना, वो पूरे परिवार का खाना बनाती हैं उसी गर्मी में आप लोगों को, सिर्फ खुश करने के लिए। अगर आप उनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो बस इतनी सी बातें, थोड़ा सा गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी चावल भी बनाने हैं मुझे। चावल बना दिया जाए पहले। चावल मैं सोच रही हूँ वो डायरेक्ट धो के बनाने वाले चावल बना लेती हूँ, कुकर में डाल के धो, उसमें नमक चावल डाल दो, क्योंकि प्याज वाले में तो मुझे तड़का लगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे काटना पड़ेंगी प्याज और जीरे वाले, तो मैं सादे चावल बना देती हूँ, डायरेक्ट धोकर कुकर में चढ़ा देती हूँ चावल। फिर इसमें बस मुझे लगाना है बघार। बघार के लिए देखो मैंने सारा मटेरियल रखा हुआ है, जीरा नहीं खड़ी लाल मिर्ची, हींग और जीरा, ये है कड़ी पत्ता, ठीक है। अरे हर चीज रोके बोलना जरूरी है क्या? हंस के भी बोल सकते हो, हंस के बोल। मुझे तो ऐसा समझ नहीं आता, तेरा बाप और तेरा मैं क्या करूं, चल निकल यहाँ से, तू जा यहाँ से। फोन गिर गया ना तो मुंह पे चांटा मार दूंगी अगर फोन गिरेगा तो। वापिस से दिए, अभी जा पापा दे देना, अभी जा, अभी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, अभी जा यार, मत मेरा दिल दुखा। तो अभी ये मुझे इसमें लगाना है तड़का कड़ी वड़ी में, चलो फिर बाद में पापा से दिखा दूंगी। वैसे तो मैं तो अच्छे ही खाना बनाती हूँ, मैं क्या दिखाऊँ यार। तो चलो बाय बाय, चावल बना देती हूँ और कड़ी में तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि अगर फ़ोन चालू रहेगा उतनी देर मेरा दिमाग फ़ोन में ही लगा रहेगा।